न्यू जलपाईगुड़ी, जहां पर कल रंगापानी में कंचनजंगा एक्सप्रेस मालगाड़ी से टकरा गई थी। हादसे के 24 घंटे बाद भी कंचनजंगा एक्सप्रेस और मालगाड़ी की दुर्घटनाग्रस्त बोगी को हटाने का काम चल रहा है। हालांकि ट्रैक को साफ कर दिया गया है। हादसे की शिकार कंचनजंगा एक्सप्रेस भी सियालदा पहुंच चुकी है, लेकिन बड़ा सवाल यही कि अपना जो ये पूरा का पूरा ये हादसा हुआ है वो आखिरकार कैसे हुआ। आज तक कुछ दस्तावेज और अहम जानकारी हासिल कर चुका है। कल सुबह ही रंगापानी के रेलवे स्टेशन मास्टर ने दोनों ट्रैक ट्रेनों को TA912 फॉर्म जारी किया था। जब भी ऑटोमेटिक सिग्नलिंग फेल हो जाती है तब ट्रेन के चालक को TA912 फॉर्म दिया जाता है। ये एक परमिट की तरह है, चालक देखभाल कर रेड सिग्नल को पार कर सके। परमिट में साफ निर्देश दिया गया था कि चालक को रेलवे फाटक पर नजर रखनी होगी। गेट बंद होने पर ही ड्राइवर ट्रेन ले जा सकता है, अगर गेट खुला तो उसे उससे पहले ही ट्रेन रोकनी होगी। नियमों के मुताबिक ऐसी स्थिति में चालक को ट्रेन की रफ्तार 15 किलोमीटर प्रति घंटे रखनी होती है। साथ ही अगली ट्रेन पिछली ट्रेन से कम 15 मिनट की दूरी पर चलनी चाहिए। कंचनजंगा एक्सप्रेस को कल सुबह 8:20 पर TA912 डॉक्यूमेंट जारी किया गया, जबकि मालगाड़ी को सुबह 8:35 पर, यानी दोनों के बीच 15 मिनट का फासला था। ऐसे में सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जब दोनों चालकों को 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन चलाने के लिए कहा गया और 15 मिनट का अंतर भी रखा गया, तो रंगापानी में मालगाड़ी ने कंचनजंगा एक्सप्रेस को कैसे टक्कर मार दी? क्या कंचनजंगा की रफ्तार धीमी थी या मालगाड़ी की रफ्तार तेज थी? पहले आपको दिखा देते हैं कि हादसे पर कल रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और रेलवे बोर्ड की चेयरपर्सन जया वर्मा ने क्या कुछ कहा। कमिश्नर रेल सेफ्टी की इंक्वायरी के बाद में ही पता चलेगा, अभी कुछ भी कहना। सिग्नल का कोई प्रॉब्लम था जो कंप्लीट इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी के बाद में ही पता चलेगा। अभी तक सिर्फ प्राइमा फेसी इंफॉर्मेशन है जिससे ऐसा लगता है कि एक सिग्नल का डिसरिगार्ड हुआ है, पर डिटेल तो हमें इंक्वायरी के बाद ही हम कंफर्म तरीके से तभी बता पाएंगे। क्या लगता है आपको कि क्यों सिग्नल जो है वो नहीं दिखा, ओवरशूट हो गया, क्या लगता है आपको? ये हम नहीं कह सकते क्योंकि होना नहीं चाहिए। बहुत रेस्ट के बाद, अपने कंप्लीट रेस्ट के बाद ड्राइवर साहब आए थे और उनके साथ असिस्टेंट भी थे और दोनों लोग इस हादसे में उनके साथ, वी डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। ऋतिक मंडल मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ सीधे हादसे वाली जगह से ही जुड़ गए हैं। ऋतिक, अब दोबारा ट्रैक को शुरू तो किया गया है, लेकिन अब चर्चा इस बात पर है कि अगर फॉर्म दोनों ड्राइवर्स को इशू किया गया था तो जो जरूरत के हिसाब से रफ्तार थी या फिर वो डिस्टेंस क्यों नहीं मेंटेन किया गया? जी बिल्कुल, देखिए जिस परमिट की हम बात कर रहे हैं और दर्शकों को दिखा रहे हैं, यानी उसमें एक जिक्र है सिग्नल, ऑटोमेटिक सिग्नल AS652 जो उस पर्ची में देखा जा सकता है। मैं इस वक्त खड़ा हूं उसी सिग्नल के बिल्कुल बगल में जिस सिग्नल का उल्लंघन करते हुए हम समझ रहे हैं कि ये तेज रफ्तार के साथ जो गुड्स ट्रेन है यानी मालगाड़ी है वो आगे बढ़ गया और यहाँ पर तब मौजूद थी जो है जो दूसरी ट्रेन, यानी जहां पर से जो सिग्नल का उल्लंघन हुआ है उसके बाद जो है यहाँ पर जो दूसरी ट्रेन वो खड़ा था और कई सारे सिग्नल इसमें जो है वायलेट किया गया है। दरअसल सबसे बड़ी सवाल इसमें पैदा होती है कि ये क्या है। दरअसल ये पर्ची तब जी जाती है जब एक सेक्शन के अंदर जो बताया जा रहा है कि 9 सिग्नलिंग ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम जो है वो खराब चल रहा था और उसमें उस दौरान जो है ये हादसा हुआ और उस दौरान मैलुअनिंग सिस्टम जो है उसको फॉलो करते हुए दोनों लोको पायलट को आगे बढ़ना था, लेकिन इसकी उल्लंघन क्या क्यों की गई थी, क्यों वहां पर तयशुदा जो स्पीड है उसको मेंटेन नहीं किया गया था, क्योंकि गाइडलाइन रहता है इस समय में दोनों ट्रेन के बीच का अंतर 15 मिनट का होगा। और सबसे बड़ी सवाल, ABS सिस्टम रेलवे की एक सफल तकनीक है जो हमें बताया जा रहा है जहां पर हम मौजूद है इस सेक्शन में भी, पिछले कुछ सालों से ABS सिस्टम यहाँ पर तैनात है और इसके मुताबिक गाइडलाइन रहता है जिस सेक्शन में कोई इंटरलॉक जो ऑटोमेटिक जो सिग्नलिंग सिस्टम है वो अगर खराब है तो उस जगह से जब दूसरा कोई ट्रेन नहीं आ सकता जब तक पहला वाला ट्रेन उस हिस्से को पार ना कर ले। और क्यों ये सवाल होता है, जब धीमी रफ्तार से कंचनजंगा एक्सप्रेस यहां से बढ़ रहा था पीछे से क्यों दूसरी ट्रेन को आने की अनुमति दी गई थी और उसके साथ साथ
क्यों वो तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा था, जबकि स्पष्ट उस पर्ची में उल्लेख किया गया है कि सब कुछ देख समझ कर धीरे धीरे से लोको पायलट गाड़ी को आगे बढ़ाएगा। हम जहां पर पहुंचे हैं और कल हमने देखा बिल्कुल वहां पर अब रेस्टोरेशन का काम चल रहा है, आप देख सकते हैं रिपेयर वैन यहां पर तैनात हो चुका है, एक यानी आप लाइन जो है उसकी रेस्टोरेशन हो चुकी है, गुड्स ट्रेन का आवाजाही धीरे धीरे शुरू हुआ है, लेकिन डाउन लाइन जहां पर ये दुर्घटना हुआ अभी भी उसको ठीक करने में और मरम्मत करने में समय लगेगा। लेकिन ये अहम सवाल कि एबीएस सिस्टम का यानी एब्सोल्यूट ब्लॉकेट सिस्टम जहां पर ये मौजूद तैनात है वहां पर दूसरा ट्रेन नहीं आ सकता, कतई ऐसा ही निर्देश रहता है, तो ये चूक किसकी हुई, क्या ये मैनुअल गलती थी, टेक्निकल गलती थी या फिर ह्यूमन एरर था, ये अब समझने की देरी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तो रंगापानी ट्रेन हादसे के बाद कवच पर चर्चा शुरू हो गई है। कवच नामक डिवाइस के जरिए यह दावा किया गया कि कवच से ट्रेन में टक्कर रोकी जा सकती है। सवाल यही कि अगर कवच से हादसे रोके जा सकते हैं तो फिर कल जिन ट्रेनों में टक्कर हुई क्या उसमें कवच नहीं लगा था। दो साल पहले का यह वीडियो है जब एक ट्रेन के इंजन में बैठकर खुद रेल मंत्री दिखा रहे थे कैसे अब देश में किसी ट्रेन को सामने ट्रैक पर किसी भी टक्कर से रोकने वाला कवच देश आत्मनिर्भर होकर तैयार कर रहा है। अगले सिग्नल पे हमें रुकना है लेकिन ड्राइवर गलती कर रहा है, बिना पूरे फुल स्पीड पे जा रहा है और ये देखिए कैसे दिखा रहा है ये कि आप ज्यादा स्पीड पे चल रहे हैं और गाड़ी को अपने आप ब्रेक कर रहा है। ड्राइवर साहब आप कुछ नहीं कर रहे हैं फिर भी गाड़ी अपने आप रुक रही है, देखिए अपने आप स्पीड कम हो रहा है और ये देखिए ये स्पीड दिखा रहा है इसमें कि इतने तक अलाउड है इसमें और अपने आप ब्रेक लग रहा है। आगे लाल सिग्नल है और स्पैड करने की कोशिश की गई लाल और कवच पूरी तरह से सुरक्षित हमारे ट्रेन को ले जा रहा है। जिस कवच को देश में ट्रेन का रक्षा सूत्र मानकर रेल मंत्री तब ताली बजाते हैं, सवाल उठ रहा है कि ट्रेन कोलिजन अवॉइडिंग सिस्टम यानी ट्रेन को टक्कर से बचाने वाला स्वदेशी कवच क्यों नहीं पिछले साल इसी जून के महीने में ओडिशा के बालासोर और अब की बार पश्चिम बंगाल की जलपाईगुड़ी में काम आया। ये तो पीछे वाली ट्रेन में तुरंत कवच उसमें स्पीड कम कर देगा और उसमें ब्रेक लगा देगा, जैसे रेड लाइट है तो रेड लाइट के पास में जैसे ही ट्रेन पहुंचे उससे पहले पहले उस ट्रेन का कवच अपने आप उसे स्पीड को कम कर देगा, कम करके उसको रेड लाइट से पहले पहले रोक लेगा। कोई गेट आ रहा है तो उस गेट के पास जैसे ही ट्रेन पहुंचे बाई चांस अगर ड्राइवर ने विसल नहीं बजाई तो भी कवच उसमें ऑटोमेटिकली विसल बजा देगा। तो ये एक ऐसी फैसिलिटी है जिससे यात्रियों की सुरक्षा में बहुत ही बड़ा बदलाव आएगा। प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि हमारे साधारण मानवी के जीवन में ऐसा परिवर्तन आए जो परिवर्तन उनके जीवन में एक बहुत बड़ा लाभ लाए, तो ये कवच ऐसी एक टेक्नोलॉजी। सवाल उठता है कि हाथ में दो टॉय ट्रेन लेकर आपस में टक्कर से रोकने वाले जिस कवच का बखान रेल मंत्री करते आए हैं वो अब तक पूरी तरह काम क्यों नहीं आ पाया है।